हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाली एक ऐसी एक मलयालम मूवी जिसको हम ऑस्कर तक भेज सकते हैं, ऐसा एक ब्यूटीफुल क्राफ्ट की जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बात करने वाली ऐसी एक मलयालम मूवी जिसका नाम है आर्ट जीवितम, दैट इज गोट लाइफ। एंड सीरियसली मैन, क्या मूवी बनाई है। लिटरली बोल रही, स्टार्ट टू एंड एक मोमेंट भी आप बोर नहीं होगे, एंड खत्म होने के बाद भी आप ये सोचोगे यार खत्म क्यों हुआ यार, और देखना है उसके बाद क्या हुआ। तो वो बंदा पहली बार अपनी फैमिली से मिला, तब क्या हुआ, तब उनके रिएक्शंस क्या थे, उनकी फीलिंग्स क्या थे, इमोशंस क्या थे, ये सब कुछ जानने का मन करेगा। एंड लिटरली मैं बोल रही हूँ, एक ऐसा एक ब्यूटीफुल क्राफ्ट है ये मूवी, बोलो मत। लाइक हर एक चीज इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे है मुझे नहीं पता। एंड लिटरली मैं बोल रही हूँ, ये सब कारण शायद से एक रीजन ये है क्योंकि ये मूवी कोरोना टाइम पे बना हुआ था, एंड उस समय ये लोग शूटिंग के लिए गए थे जॉर्डन में, एंड वहां उनके कोरोना के कारण से लॉकडाउन में थे वो। तो वो एक पूरा महीना, एक महीना क्या, दो महीने ऑलमोस्ट वो वहां उस जगह पे थे, एंड उन लोगों ने हर एक चीज सीख लिया डेजर्ट के बारे में। एंड उन लोगों ने हर एक चीज जो सीखा हुआ है, जो जाना गया है, हर एक सीन वो इस मूवी में वो कैप्चर कर पाए, वो शूट कर पाए। लिटरली मैन, इस मूवी का सबसे ज्यादा क्रेडिट तो यार मुझे ब्लेसी सर से ज्यादा मुझे पृथ्वीराज को देने का मन करता है, क्योंकि बंदे ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा टॉर्चर करा, इतना ज्यादा कि यार देखते हुए हमें आंखों में आंसू आ जाता है। यार एक बंदा कैसे इतना अपने आप को टॉर्चर कर सकते एक मूवी के लिए, इतना ज्यादा स्ट्रगल, इतना ज्यादा हार्डवर्क एक मूवी के लिए दिया है ना, वो इस मूवी के हर एक कोने में दिख रहा है। मूवी बात करती एक रियल लाइफ पर्सन, नजीब नाम की एक रियल लाइफ पर्सन के बारे में, जो बहुत ज्यादा गरीबी के कारण से उसको दुबई जाना पड़ता है, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को वहां अकेला मम्मी के साथ छोड़ते हुए वो जाता है केरला से दुबई। एंड लिटरली मैन, वहां जाने के बाद उसको ना भाषा आता है, ना हिंदी आता, ना इंग्लिश आता है, ना अरबी आता, कुछ भी नहीं आता। एंड वो एक इंसान के सामने फंस जाता है, उसको लगता है वो उसका स्पॉन्सर है, एंड वो चला जाता है, बट उसको ये नहीं पता वो कि वो एक धोखा था, एंड वो एक बकरियों के बीच में फंस जाता है। एंड वहां दो साल वहां उस जगह पे वो काम करता है, ना ही उसको पैसे मिलते हैं, ना ही उसको खाना मिलता है, एक कुबूस का मिलता है, दैट इज एक रोटी टाइप की एक चीज है कुबूस, वो मिलता है, एंड थोड़ा सा दूध मिलता था बस खाने के लिए एक दिन का। जब भी उसने जाने की कोशिश करी, वहां से भागने की कोशिश करी, उसका पैर तोड़ दिया गया, एंड एट द एंड कैसे भी करके वो भाग के केरला आ जाता है। वो स्टोरी है, वो स्ट्रगल है इस मूवी के अंदर, आपको जरूर जाके देखनी चाहिए। ये मूवी आपको मिस कर लिया ना, अपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर लिया यार। मैं इस मूवी को दूंगी 5 out of 5, आपको जरूर जाके देखनी चाहिए ये मूवी, जरूर जाके देखिए, एंड लिटरली मैन मिस मत करना। अगर आपने ऑलरेडी आर्ट जीवितम देख लिया है, द गोट लाइफ देखा है, तो कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।